जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी जय 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 अहिंसा परमो धर्म जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज जय 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 पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमस्ते। विगत दिनों से हम षोडश कारण की चर्चा कर रहे हैं और आज उसका अंतिम चरण वह है प्रवचन वत्सलत्व। दर्शन विशुद्धि से षोडश कारण की शुरुआत होती है और प्रवचन वत्सलत्व में आकर पूर्ण हो जाती है। कुल मिलाकर हमारे मार्ग की पूर्णता तभी होती है जब हमारे हृदय में प्रेम और वात्सल्य छलकता है। प्रेम वात्सल्य हृदय की विशालता का द्योतक है। इससे हमारे हृदय में उदारता बढ़ती है। जिसका चित्त उदार हो उसके मन में प्रेम वात्सल्य सदैव भरा रहता है और जो अंदर से अनुदार हो उसके हृदय में किसी के प्रति वात्सल्य नहीं होता। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का हृदय बड़ा विशाल होता है। वह हर व्यक्ति का मूल्यांकन एक व्यक्ति की भांति न कर उसके गुणों को ध्यान में रखकर करता है। अगर हम व्यक्ति का आकलन करते हैं तो हमारी दृष्टि उसकी बाहरी विभूतियों पर जाती है, बाह्य उपलब्धियों पर जाती है। जब बाहरी विभूति और बाह्य उपलब्धियों के आश्रय से कोई काम किया जाता है तो उसका मूल्यांकन बड़ा उथला होता है। उसमें कोई छोटा कोई बड़ा कोई उपयोगी कोई अनुपयोगी दिखता है। लेकिन जब आंतरिक गुणों को ध्यान में रखकर हम कोई काम करते हैं तो वो सबको समान दिखाता है। उसके प्रति हमारे हृदय में सहज स्नेह और वात्सल्य की धार उमड़ जाती है। यही हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनती है और इसके बल पर ही हम अपनी चेतना का उत्कर्ष कर पाते हैं। आज उसी वात्सल्य की बात कर रहा हूँ। यद्यपि मोक्ष मार्ग शाश्वत है, हमें अपनी आत्मा में केंद्रित होकर के ही जीवन को आगे बढ़ाना है, लेकिन हर आत्म केंद्रित साधक के व्यवहार में भी उसकी छाप दिखती है। मेरे भीतर अगर प्रकाश है तो उसकी किरणें बाहर भी दिखनी चाहिए। प्रेम वात्सल्य के अभाव में हमारा जीवन अधूरा अधूरा है। यहाँ बहुत अच्छा शब्द रखा गया, प्रेम भी नहीं वात्सल्य। प्रवचन वात्सल्य यानी साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे मार्ग के अनुरूप चलने वाले हैं उनके प्रति वात्सल्य का भाव रखना, ये प्रवचन वत्सलत्व है। वात्सल्य शब्द वत्स से बना है। वत्स का अर्थ होता है बछड़ा, जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति निश्चल प्रेम और स्नेह रखती है, वैसे ही साधर्मी के प्रति हमारे मन में स्नेह और सद्भाव होना चाहिए। जब ये भाव हमारे हृदय में जगेगा तभी सच्चे अर्थों में हम अपने धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे और मार्ग की प्रभावना कर पाएंगे। हम थोड़े से लोग हैं जो एक आचार और एक विचार पर विश्वास रख करके जीने वाले लोग हैं, जिनका आचार विचार एक रूप है उनके प्रति हमारे मन में स्नेह सद्भाव तो होना ही चाहिए। आजकल वात्सल्य का घोर अभाव देखा जाता है। कहाँ तो
साधर्मी के प्रति वात्सल रखने की बात की जाती है, पर आजकल तो लोगों के घर परिवार में भी वात्सल्य का अभाव दिख रहा है। आज मैं बहुत थोड़े समय में चार बातें आप सबसे करूंगा, और वो चार बातें यदि घर में होगी तभी समाज में हो पाएगी। मैं सीमित समय में घर परिवार से लेकर समाज तक वात्सल्य की धार को प्रवाहित करने के सूत्र आपको देना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि हमारा वात्सल्य स्नेह बना रहे, तो सबसे पहला सूत्र है कॉपरेशन। हम एक दूसरे को कॉपरेट करना शुरू करें, सहयोग देना शुरू करें। जिसके प्रति अपनत्व होता है हम उसे सहयोग देने में किंचित भी पीछे नहीं रहते। रहते हैं क्या? जो अपना दिखता है, जो अपना प्रतीत होता है, उसके लिए व्यक्ति पल में सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, होते हैं। अपनत्व का विकास किए बगैर वात्सल्य की वृद्धि हो ही नहीं सकती। हमें अपने घर परिवार से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि घर परिवार में हमारे जितने सदस्य हैं उनमें एक दूसरे के प्रति कितना कोऑपरेशन का भाव है। है, लोग कोऑपरेट करते हैं, आजकल दिनों दिन इसका अभाव होता जा रहा है। अब तो कोई किसी को पूछना भी पसंद नहीं करता। जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, पांव में कांटा चुभता है, माइंड मैसेज देता है, तुरंत हाथ उस कांटे को निकालने के लिए पहुंच जाता है, और जितने देर तक वो कांटा बाहर नहीं निकलता पूरा शरीर उस समय पैर के साथ रहता है। रहता है ना? क्यों? क्योंकि माइंड को कहता है पैर मेरा, हाथ कहता है पैर मेरा, उंगलियां कहती है पैर मेरा, शरीर का रोम रोम कहता है कि पैर मेरा है। जो मेरा है उस भाव के जगते ही सहयोग की भावना अपने आप प्रकट हो जाती है, होती है। अब तुम देखो तुम्हारा कौन कौन है, घर परिवार से शुरुआत करो और समाज के लोगों की तरफ अपनी दृष्टि ले जाओ। किनके प्रति अपनत्व का भाव जुड़ता है? जितना जितना अपनत्व बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा, उतना उतना वात्सल्य उभरेगा। इसे बढ़ाना चाहिए। अभी कंज्यूमरिज्म का दौर है, बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच के कारण सबसे ज्यादा यदि प्रभावित हुई है कोई चीज तो वो हमारी संवेदना है। हमारी संवेदनशीलता बुरी तरह छिन्न भिन्न हो गई, और संवेदना के प्रभावित होने से अपनापन तो खत्म ही हो गया है। किसी के प्रति अब अपनत्व तो जैसा नहीं रहा, अपनों के साथ भी अपनापन नहीं, तो गैरों के साथ क्या होगा? वृद्धाश्रमों की बढ़ती भी संख्या उसका ही तो परिणाम है। और एक विचित्रता देखो, लोगों का मनुष्यों और अपनों के प्रति लगाव घट रहा है और जानवरों से लगाव बढ़ रहा है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिनको अपने कुत्ते को घुमाने के लिए समय है पर अपने बीमार बाप को अस्पताल पहुंचाने का समय नहीं।
उसके लिए जिसने जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, पाला पोसा बड़ा किया, उसके लिए समय नहीं और कुत्ते के लिए समय। ये कौन सा कल्चर आ गया है? आप सब सुनोगे तो ताज्जुब होगा। एक सज्जन ने बताया, उनके एक परिचित अपने ही समाज के, उनका आपस में तलाक हो गया। आपस में तलाक हुआ, बोला तलाक का मामला क्यों हुआ तलाक? बोला इसलिए तलाक हुआ कि तुम हमारे पेट को प्यार नहीं करते, यानी हमारे कुत्ते को विशेष ध्यान नहीं देते, हमारे कुत्ते को प्यार नहीं करते, इसलिए पत्नी ने पति से तलाक ले लिया, यानी पति से भी ज़्यादा ऊंचा स्थान उस कुत्ते का था। बड़ा भाग्यशाली होगा वो, माने कुत्तों से भी गई वाली हालत हो गई है मनुष्यों की। कहाँ जा रही है सोच, कहाँ हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, पुण्य पाप की बात करते हैं, स्वर्ग मोक्ष की बात करते हैं, व्रत संयम की बात करते हैं, त्याग तप की बात करते हैं, दान पुण्य की चर्चा करते हैं, और हमारा जीवन स्तर कितना घटिया होता जा रहा है। यदि यही सब स्थिति रहेगी तो आखिरकार फिर हमारा भला कैसे होगा? पहला सूत्र आज लेकर के अपने गांठ में बांध लें, मेरे हृदय में सहयोग की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वात्सल्य मेरे धर्म का मूल है, उसका हमारे शरीर में हृदय जैसा स्थान है। पूरा शरीर अपना काम करता हो और हार्ट फेल हो जाए तो सब खत्म। तो ये धड़कन है हमारे धर्म की, वो चलते रहनी चाहिए, मंद नहीं होनी चाहिए। और मन में वात्सल्य के भाव को जगाना है तो पहला सूत्र कॉपरेशन, सहयोग। एक दूसरे को सहयोग दो तो क्या परिणाम निकलता है? देखिए, भाई भाई के बीच में सहयोग कैसे होता है? दो भाई, एक भाई बाहर रहता, एक भाई अपने पैतृक निवास में रहता। बड़ा भाई जो बाहर रहता था, मालूम पड़ा छोटा भाई बहुत ज्यादा कर्जे से लद गया। बड़े भाई को पता लगा कहीं और से, उसने अपनी चर्चा अपनी धर्मपत्नी से की, ऐसा ऐसा हो गया, क्या करना चाहिए? धर्मपत्नी ने कहा, भगवान की दया से हम सक्षम हैं, आज हमारे भैया को किसी कारण से परेशानी आई है, हम लोगों को चलकर प्राथमिकता से उसका निवारण करना चाहिए। दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया, कुछ रुपए रखे, कुछ कागजात रखे, और बिना सूचना के अपने भाई के घर पहुंच गए। अचानक भाई को आया देखकर एक पल को घबराया कि अब सब बातें भैया को पता लग जाएगी तो क्या होगा। लेकिन दोनों अंदर घर में गए और थोड़ी देर बाद उसे बुला करके उससे सब बातें पूछी। पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन भाइयों में प्रेम इतना था कि टाल नहीं पाया। उसने सब बातें सच सच बता दी। उसने कहा, और जो कुछ है पूरा बता दो। उनने सब जिसका जो देना लेना था सब नोट किया और उसके बाद कहा कि देख भाई, तुमने जो किया गलती की, इससे नुकसान हुआ, पर यदि तुम चाहो तो इस नुकसान को नसीहत में बदल सकते हो और नसीहत लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। भगवान की कृपा है कि आज मैं सक्षम हूँ और तुम्हारे इस नुकसान की भरपाई मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये मान करके चलो मैं भी कब तक करूँगा और मैं भी कब तक रहूंगा, इसका कोई भरोसा नहीं, तुम्हें अपना रास्ता खुद तय करना होगा। उसकी आंखों में आंसू चरणों में गिर पड़ा, बोला भैया मैं क्या कहूँ, मुझसे गलती हो गई, आपको विश्वास दिलाता हूँ आगे अपनी तई मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। भाई ने उसे अपने गले से लगाया और उसके बाद जितने लेनदार थे
उन सबको बुलाए, हिसाब लेके बैठा और सारे लेनदारों को उनका पाई पाई चुका दिया। बोला अब आपको इससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, देनदार मैं हूँ, इस बार मैं चुका रहा हूँ, पर आगे आप कुछ दिए तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। सबको चुकाया और कुछ दिन उसके साथ समय बिताया, उसको स्थित किया, उसके नए सिरे से कारोबार की शुरुआत की, सेट हो गया, आज जीवन अच्छा चल रहा है। और वो उसके बाद मेरे पास आए, मुझे ये सारी घटना बताई। उसका नतीजा ये है कि भाई के लिए वो भाई भगवान से बढ़ करके हो गया। ये सहयोग का फल। वो कहते हैं कि महाराज जी जो सुकून हमें मिला वो करोड़ों कमाने से नहीं मिला, जो कुछ सहयोग से हमने पाया। आपका फोकस किस पर है? आज लोग पैसा कमाने के लिए तो सचेष्ट रहते हैं, जोड़ कर रखते हैं, लेकिन ध्यान रखना, पैसा कमाने से कुछ पल की संतुष्टि हो सकती है, लेकिन अगर किसी का प्रेम और सद्भाव पाओगे, जीवन भर का आनंद होगा। तुम्हें तय करना है। सहयोग बहुत जरूरी है। पैसा जोड़कर आप अमीर कहला सकते हो, पर किसी को सहयोग देकर आप उसका अपना बन सकते हो, सबके अपने बन सकते हो। हमने सुना है हेनरी फोर्ड अपने जीवन के अंतिम दिनों में बड़ी बुरी स्थिति में, फोर्ड कंपनी के संस्थापक जो थे, हेनरी नहीं और कोई नाम था, फोर्ड साहब, वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में बुरी तरह मरे। उन्होंने लिखा कि आज मैं सोच रहा हूँ कि जितना समय और शक्ति मैंने पैसा कमाने के लिए लगाया, यदि उतना अपने मित्र बनाने के लिए लगाया होता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। सहयोग एक बहुत बड़ी आवश्यकता है जिस पर हम सबका ध्यान होना चाहिए। कोऑपरेशन के बाद है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। एक दूसरे के साथ सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। जब तक समन्वय नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, तो हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? आजकल कोऑपरेशन का तो अभाव है ही, कोऑर्डिनेशन का भी अभाव दिखता है। लोग एक दूसरे के साथ समन्वयात्मक दृष्टि बहुत कम रखते हैं, सब अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। चलो, चलाओ भी, पर केवल अपनी चलाने की कोशिश मत करो, तालमेल बिठा करके चलो। एक दूसरे के साथ अगर समन्वयात्मक दृष्टिकोण रहेगा तो सामंजस्य अपने आप बैठेगा, और समन्वय के अभाव में टकरावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी। एक वीणा होती, उसमें सात तार होते, सातों तार अलग अलग होते हैं, लेकिन जब कभी उसमें उंगली चलाई जाती है, सातों तार अपना संवेद स्वर छोड़ते हैं, तब मधुर संगीत उत्पन्न होता है। सातों तार यदि अलग अलग स्वर छोड़े तो क्या होगा? वो सिरदर्द बन जाएगा। तार संवेद स्वर छोड़ पाते इसलिए क्योंकि उनका आपस में समन्वय है, इंटरनल एडजस्टमेंट है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तार अलग अलग है पर स्वर एक होने चाहिए, व्यक्ति अलग अलग है पर अभिमत एक होना चाहिए, यही तो जीवन का मर्म है। अगर हर व्यक्ति का अलग अलग ओपिनियन हो कोई दिक्कत नहीं है, पर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अलग अलग ओपिनियन हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ओपिनियन कि एक दूसरे को अपोनेंट बन जाए, शत्रु बन जाए, विरोध बन जाए, विरोधी बन जाए, वो अपोजिशन में खड़ा हो जाए, तो ये स्थिति कतई उचित नहीं है। समन्वय बनेगा तब जब मन ऊंचा होगा, कुछ मेरे मन की कुछ सामने वाले के मन की। मैं सोचूं सब मेरे मन के अनुरूप हो, कुछ नहीं होगा। मेरे साथ सामने वाले के मन में के अनुरूप भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मन के अनुरूप हो जाए, समन्वयात्मक दृष्टि अपने अंदर विकसित हो जाए, जीवन धन्य होगा। मैंने एक बार कहा था कि मतदान से देश चलता है, देश को चलाने के लिए मतदान जरूरी है ना। मतदान से देश चलता है और मन के दान से परिवार या समाज। तो मतदान करने के लिए तो तत्पर हो, मन का दान कर पाते हो, उसके लिए तैयार हो। जहां लोगों के मन एक दूसरे से मिलते हों, उस घर में हमेशा प्रेम की बगिया खिलती है, और जहां मन नहीं मिलता वहां रोज रौद्र रूप प्रकट होता है, आपस में कटुता, संघर्ष और विग्रह की स्थिति दिखती है। स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के मन अलग अलग हैं, मानसिकता अलग अलग है, लेकिन अलग अलग मन और विचार होने के बाद भी यदि हृदय में सरलता है तो या तो मान जाएंगे या मना लेंगे। जीवन तो तभी आगे बढ़ता है जब हमारी सोच इगोइस्ट हो जाती है, अहंकार को हम प्रधानता देना शुरू कर देते हैं, तो हमारा मन फिर मानता नहीं, मनवाने पर तुल जाता है, वही झगड़ा खड़ा हो जाता है। संत कहते हैं मानो और मनाओ, बस यही एक तरीका है, या मान जाओ, जीवन आगे बढ़ेगा। तो कॉपरेशन के बाद कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार रहिए। फिर है कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान जरूर दीजिए। हम जब तक एक दूसरे को के लिए योगदान नहीं देते, अपना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारा कंट्रीब्यूशन आजकल कम होता जा रहा है। कंट्रीब्यूशन का मतलब केवल पैसों का कंट्रीब्यूशन नहीं, जहां जरूरत है आप पैसे का कंट्रीब्यूशन दीजिए, पर मुझे दिखता आज के समय में घर परिवारों में पैसों के कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं, समाज के लिए कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। जहां जरूरत है वहां दें, क्योंकि लगभग आप लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन पैसे से सक्षम होने के बाद भी लोग कई अर्थ में बड़े कमजोर साबित होते हैं। वहां अगर एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन हो तो अक्षम व्यक्ति भी सक्षम हो सकते हैं। आप किसका कंट्रीब्यूशन दीजिए, समय का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? कितना टाइम कंट्रीब्यूट करते हैं आप अपने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए? विचार करना है, टाइम ही नहीं है। समय का कंट्रीब्यूशन जितना बन सके हम कम से कम समय देने की कोशिश करें। आजकल दे पाते हैं क्या? मरा समय ही नहीं है।
कल ही एक दंपति आए, उनकी धनपत्नी इस बात के लिए नाराज थी कि मेरे पति के पास समय ही नहीं है। भले हफ्ते में चार चार पांच पांच दिन बाहर लौट कर आए, तो लौट कर आने के बाद भी अपने फोन में ही बिजी रह जाए। हमने कहा क्या बात हुआ, किससे? बोले बस महाराज बिजनेस की धुन, बिजनेस की धुन, बिजनेस की धुन। इनसे पूछिए कि मेरी शादी करके मुझे क्यों लेकर आए। बात समझ में आ रही है? ये भी एक बहुत बड़े झगड़े का कारण है। जिनके लिए, जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए समय नहीं दे सकता, जो व्यक्ति अपने समाज के लिए समय नहीं दे सकता, उस व्यक्ति का मतलब ही क्या है? कितना व्यापार। समय निकालना सीखिए, समय देना सीखिए। पति घर आया रात के 12:30 बजे, बोले जल्दी खाना खाना परोस। बोले ये कोई टाइम है आपके आने का? बोले क्या बताऊं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। ये टाइम है आपके आने का? क्या बताऊं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। पत्नी भी रोज रोज की बात सुनकर झल्ला पड़ी। उसने कहा ठीक है ठीक है, मरना तो थोड़ी देर से मरना, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हूं, मुझे रोने की फुर्सत नहीं। क्या कहानी है, कहां हमारी दृष्टि है? कंट्रीब्यूशन ऑफ टाइम होना चाहिए, कंट्रीब्यूट कीजिए समय का योगदान, शब्दों का योगदान। कोई व्यक्ति आहत है, कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति हताश है, कोई व्यक्ति निराश है। ओ निराश है, क्या दो शब्द हम नहीं बोल सकते? दो मीठे बोल बोल कर हम उसका हृदय खोल सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मुंह फेर के निकल जाते हैं। है ना कंजूसी, तुम्हारा क्या लगा? कुछ नहीं लगा। तुम्हारे पास शब्दों का अपार भंडार है, लेकिन फिर भी इतने कंजूस हो कि उसे प्रकट करना नहीं चाहते। शब्दों का आभार प्रकट करना सीखिए। दो मीठे बोल बोल देने में बहुत बड़े बड़े काम बढ़ जाते हैं। कुछ आए, कोई व्यक्ति मिले, क्यों भाई क्या हाल है, इतना ही तो पूछना है। वो देखा मुंह फेर लिया, क्या है, कोई मनहूस थोड़ी है भाई। ध्यान रखना, सामने वाला इंसान है और तुम उसको देखकर मुंह फेरोगे तो कल हो सकता है तुम्हें वो मनहूस मानना शुरू कर दे। इसलिए मनहूसियत मत जगाइए, मानवीयता को अपने भीतर में उद्घाटित कीजिए। जहां जरूरत है वहां शब्दों का योगदान अवश्य दीजिए। फिर है, ये भी नहीं बोल सकते, एक स्माइल तो दे सकते हैं। बोलो, स्नेह का कंट्रीब्यूशन, स्माइल का कंट्रीब्यूशन, एक मुस्कान बिखेर देने में क्या जाता, कुछ जाता है क्या? हाँ, जिसके प्रति प्रेम होता उसके प्रति तो मुस्कान आ जाती है, और जिसके प्रति द्वेष होता उसके प्रति नफरत का भाव। मैं पूछना चाहता हूं, देखो तुम्हारी स्माइल किनके प्रति होती है, अपनों के प्रति या जिनको तुम अपना मानते हो उनको, उनके प्रति? आज अपनों के प्रति मुस्कान कम है, जिनको अपना लिया गया उनके प्रति स्माइल ज्यादा है। संत कहते हैं घर परिवार और समाज सबके साथ ये व्यवहार होना चाहिए, ये स्माइल गिविंग होना चाहिए, तो जीवन आगे बढ़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। इसमें क्यों कृपण बने, वात्सल्य बढ़ाना है। सास बहू को देखकर मुस्कुरा दे, बहू सास को देखकर मुस्कुरा दे, भाई भाई को देख के मुस्कुरा दे, अड़ोसी पड़ोसी को देख करके मुस्कुरा दे,
तो क्या बिगड़ता है, कुछ बनता है कि नहीं? आजकल मुस्कुराते कम है, मुंह फुलाते ज्यादा है, है ना? अब मुस्कुराते हो कि मुंह फुलाते हो, ये तय करो। जीवन की दिशा तभी बनेगी। और चौथी और आखिरी बात, कम्युनिकेशन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, एक दूसरे के साथ संवाद, बातचीत, संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं। आजकल या तो विवाद होता है या बकवाद होता है, संवाद होता ही नहीं। ये कम्युनिकेशन गैप बहुत खतरनाक है। आजू बाजू में बैठे तो भी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं है ना? प्रेम को बढ़ाना है तो संवाद को जगा के रखिए, संवाद को बना के रखिए। एक दूसरे के साथ आपका जितना अच्छा संवाद होगा, आपके हृदय में उतना संवाद बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा। समय तो दीजिए, आज संवादहीनता बढ़ रही है। और संवादहीनता का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया है। अक्सर आप देखिएगा, एक सोफे में तीन जने बैठे हैं और तीनों की उंगलियां चल रही है, मुंह बंद है। यही होता है ना? क्या हो रहा है? सब चैट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। बाजू में बैठा है पर बाजू वाले का आता पता नहीं क्या है। कैसे प्रेम बचेगा? बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब में ये बीमारी आ गई। ऐसे के साथ तुम उलझे हो जिनका कोई अता ही पता नहीं। मैं एक स्थान पर था, एक परिवार आया, उनके साथ एक 14 साल की बच्ची थी और वहां के अध्यक्ष जो हमारे चातुर्मास के मुखिया थे, दोनों एक दूसरे को देखे तो ऐसा कि जैसे बड़े परिचित से हो। मैंने अध्यक्ष महोदय से पूछा, ये कौन है? बोलिए, मेरी फेसबुक फ्रेंड है। 65 साल के बुढ़े का 14 साल की बच्ची फ्रेंड है। कौन सी फ्रेंड है? फेसबुक फ्रेंड। जो असली फ्रेंड है उसके साथ तो फ्रॉड हो रहा है। कहां फिर कम्युनिकेशन बढ़ेगा? कैसे जीवन का चक्र आगे चलेगा? कैसे? ये तो हमें सोचना चाहिए ना। तय कर लीजिए, हम औरों को समय बाद में देंगे, अपनों के लिए समय बचा के रखेंगे। तुम्हारे पास भ्रष्ट मित्रों के लिए समय है, पर घर में जिसे सात फेरे मार कर लाए हो, ऐसे सुशील पत्नी के लिए समय नहीं, तो बताओ तुम्हारी समझदारी कैसी? जिन्हें तुमने जन्म दिया और बच्चों के लिए समय नहीं, तो तुम्हारी समझदारी कैसी? जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उनके लिए समय नहीं, तो फिर तुम्हारी योग्यता कैसी? अपने अपनों के लिए ही समय नहीं हो तो फिर भल मन साहत कैसी? सोचना चाहिए ना। अपनी सोच को बदलिए, कम्युनिकेशन गैप मिटना चाहिए। एक बार की बात, 6 बहनों के बाद एक भाई हुआ। भाई डायनामिक, पर अपने साथ दो दो मोबाइल रखता। एक दिन उसकी एक बहन ने मुझसे कहा, महाराज इस मोबाइल ने हमारे भाई को हमसे दूर कर दिया। इस मोबाइल ने हमसे हमारे भाई को दूर कर दिया। मैंने पूछा क्या मामला? बोले, महाराज साल में एक बार हम लोग आते हैं, एक ही भाई है, 10
15 दिन के लिए आते हैं, ये भी दिन भर बिजी रहता, घर आए सोचे कि थोड़े देर बात करें, पर महाराज जी ये दो दो मोबाइल रखे हैं, आते ही मोबाइल में बिजी हो जाता है, मोबाइल में बिजी हो जाता है। तो हमें लगता है कि इस मोबाइल ने हमारे भाई को हमसे छीन लिया। मैंने कहा मोबाइल ने तुमसे तुम्हारे भाई को ही नहीं छीना, इस मोबाइल ने न जाने कितनों को कितनों से छीन लिया। अनावश्यक बातों में जो उलझते हैं वे आवश्यक चीजों से वंचित रह जाते हैं। कम्युनिकेशन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, जहां संवाद होता वहां कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, गलतफहमियां नहीं होती, वहां प्रेम बढ़ता है। सौहार्द को जगाने के लिए संवाद को बढ़ाना जरूरी है। ये जब हम बढ़ाएंगे तो हमारे जीवन का क्रम आगे बढ़ सकेगा और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।